तो फाइनली गाइस, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बीते गुरुवार कल यानी के 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की फिल्म जवान, जिसने फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है। और जवान फिल्म ने अपने पहले 2 दिनों की कमाई से कामयाबी के वो झंडे गाड़ दिए हैं और बॉलीवुड में वो सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है जो कभी आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, जवान फिल्म को आज सिनेमाघरों में दूसरा दिन चल रहा है और फिल्म की 2 दिनों की हैरान कर देने वाली है। अपने फर्स्ट डे पर फिल्म ने जो किया वो तो किया ही, लेकिन आज दूसरा दिन यानी कि वर्किंग डे है, लेकिन वर्किंग डे पर इतनी कमाई शायद इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं जवान फिल्म के पूरे 2 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। अपने पहले दिन जवान फिल्म ने कितनी ओपनिंग की इंडिया के अंदर, तमिल तेलुगु हिंदी से सभी भाषाओं में कितनी कितनी कमाई की, वही फिल्म का ओवरसीज से कितना कलेक्शन रहा, और साथ ही साथ बात करने वाला हूं आज अपने दूसरे दिन ये फिल्म कितनी कमाई करने वाली है। तो दोस्तों, बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप शाहरुख खान को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर बात करें फिल्म जवान की तो इस फिल्म की मैं जितनी तारीफें करूं कम है। फैंस को बहुत ज्यादा इंतजार था। इससे पहले शाहरुख खान की फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, कामयाबी के झंडे वो भी गाड़ चुकी है, लेकिन फैंस को इंतजार था तो सिर्फ और सिर्फ जवान का। लेकिन जवान फिल्म जैसे ही कल सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी थी तो फैंस जो बड़ी भीड़ के साथ सिनेमाघरों तक पहुंचे फिल्म देखने के लिए, और यही वजह रही कि फिल्म इतनी बड़ी कमाई करने में कामयाब रही। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि एटली के डायरेक्शन में फिल्म बनी थी जिसका बजट 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था। फिल्म में हमें शाहरुख खान के साथ नयनतारा, विजय सेतुपति और दीपिका पादुकोण अहम किरदार में नजर आए। तो फिल्म को पूरे वर्ल्ड में लगभग 10,000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया के अंदर 75 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि तमिल से फिल्म ने कमाई लगभग 6 करोड़ रुपए, तेलुगु से फिल्म की कमाई रही 4 करोड़ रुपए की, और हिंदी में फिल्म ने कमाई लगभग 65 करोड़ रुपए। तो फिल्म का जो पहले दिन का इंडिया के अंदर नेट कलेक्शन रहा वो 75 करोड़ रुपए का रहा, तो वही फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन रहा वो लगभग 94 करोड़ रुपए के आसपास का रहा। ओवरसीज से फिल्म ने कमाई अपने पहले दिन 40 करोड़ रुपए, और कुल मिला के ये फिल्म पूरे वर्ल्ड में अपने पहले दिन 134 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही, जो कि काबिले तारीफ और बॉलीवुड की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। आज तक इतनी बड़ी ओपनिंग किसी ने नहीं ली। इससे पहले पठान ने ली थी 105 करोड़ रुपए की, और अब पठान फिल्म के भी सारे रिकॉर्ड की इसने धज्जे उड़ा दिए और अब सिर्फ नाम है तो सिर्फ जवान का। लेकिन बात करूंगा मैं दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो जिस तरह से आज ही फिल्म होल्ड कर रही है वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि आज की जो एडवांस बुकिंग हुई थी दूसरे दिन की वो हुई थी 21 करोड़ रुपए की। तो मैं आपको बताता चलूं कि आज दूसरे दिन का जो कलेक्शन है पूरे इंडिया से वो लगभग 45 करोड़ रुपए रहने वाला है। 4 करोड़ रुपए फिल्म तमिल से करने वाली है, 2 करोड़ रुपए तेलुगु से भी आने वाला है, और हिंदी में कमाने वाली आज ये फिल्म लगभग 39 करोड़ रुपए। तो फिल्म का जो आज दूसरे दिन का इंडिया में नेट कलेक्शन रहेगा वो 45 करोड़ रुपए रहेगा। तो फिल्म अपने पहले 2 दिनों में इंडिया के अंदर 120 करोड़ रुपए की नेट कमाई कर रही है। जहां दोस्तों 120 करोड़ रुपए की नेट कमाई कर रही है अपने पहले 2 दिनों में फिल्म जवान, तो वही फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 215 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करके 220 करोड़ रुपए जा रहा है। अपने पहले 2 दिनों में फिल्म पूरे वर्ल्ड में 220 करोड़ रुपए कमा चुकी है, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले 2 दिनों में ही ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, जवान फिल्म आपने कौन से शहर, कौन सी सिटी में देखी है, कमेंट में अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा।